नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, सह आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली, आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद रजिया को, जो योग्य थी, अपना उत्तराधिकारी चुना। इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह अयोग्य एवं असक्षम था। यही कारण है कि एक स्त्री होने के बावजूद इल्तुतमिश ने रजिया की योग्यता को देखते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी चयन किया। रजिया रुकने किंतु इसके बावजूद रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का चयन ही उत्तराधिकारी के रूप में किया था, किंतु रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता शाह तुर्कान एक महत्वाकांक्षी महिला थी और उसने षड्यंत्र करके रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया। शाह तुर्कान एक तानाशाह महिला थी जिसके महत्वाकांक्षाओं के कारण दिल्ली में चारों तरफ असंतोष फैल गया। ऐसे में रजिया ने शुक्रवार के दिन नमाज के बाद वह लाल वस्त्र पहनकर जनता के सम्मुख उपस्थित हुई। लाल वस्त्र पहनने का मतलब ही होता है कि वो न्याय मांगने जनता के समक्ष उपस्थित हुई थी। रजिया को गद्दी पर बैठने के बाद यद्यपि अपने विरोधियों का सामना करना पड़ा, किंतु उसने अपने विरोधियों को दृढ़ता से उनका दमन करके गद्दी प्राप्त की। रजिया को गद्दी पर बैठने के बाद बहुत से विद्रोहों का सामना करना पड़ा। लाहौर और सरहिंद के सुल्तानों ने विद्रोह कर दिया सरदारों ने विद्रोह कर दिया। रजिया स्वयं सेना लेकर उन विद्रोहों का दमन करने गई, किंतु उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में उसने गिरफ्तार करने वाले शासक अल्तुनिया, जो बठिंडा का शासक था, से विवाह कर लिया। जब वो लाहौर पर आक्रमण करने गई थी तो दिल्ली की गद्दी उसके हाथ से निकल गई। तब अल्तुनिया के साथ वो दिल्ली पर पुनः विजय प्राप्त करने के लिए चली, किंतु वो पराजित हुई और वापस बठिंडा की तरफ लौटने लगी। तब मार्ग में कैथल नामक स्थान पर उसके विरोधियों ने, कुछ डाकुओं ने, उसकी हत्या कर दी। रजिया ने मात्र 3.5 वर्ष तक शासन किया। एक स्त्री शासिका होने के कारण तुर्क अमीरों का उसे विरोध सहन करना पड़ा। उनके विरोध का एक कारण यह भी था कि उसने तुर्कों की बजाय एक अबिसिनियाई सरदार याकूत खां को अपने यहाँ ज़्यादा महत्व दिया, अतः तुर्क अमीर उसके विरोधी हो गए। एक स्त्री शासिका होने के कारण ही उसे प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम स्त्री शासिका थी और वो योग्य थी, किंतु अपने विरोधियों के कारण वो योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाई। धन्यवाद।